आज चार रमज़ान हैं अलहम्दिल्ल रब्बिलमी वसलात वसूलकरीम वालही वसाब अजमैन फ़ौजबिल्लिस रजीम बिस्मिल्लाम चार रम़ान सन तेरह सौ तिरसठ हिजरी को ओस्मानिया सल्तनत के सैंतीसवें आखिरी खलीफा अब्दुलमजीद सानी का पेरिस में इंतकाल हुआ ये इंतकाल इनका जिलावतनी की हालत में हुआ क्योंकि इन्हें जिलावतन कर दिया गया था चार रमज़ान पाँच सौ छिहत्तर हिजरी को बगदाद के बहुत मशहूर कातिब इबन खरासानी का इंतकाल हुआ ये चार सौ चौरानवे हिजरी में ईरान में पैदा हुए थे और इनका दस जिल्दों का दीवान बहुत ज़्यादा मशहूर है बुखारी और मुस्लिम की एक रिवायत है हजूर रली वसल् ने बात फरमाई कि लोगों शहरी लिया करो शहरी की खाने में बहुत बरकत है अब आप देखें कि जो लोग सोते रहते हैं और बिना शहरी का रोज़ा रख लेते हैं वो कितनी बरकत से महरूम हो रहे हैं आप ये देखें कि एक महीना ये ऐसा है कि जिसमें शहरी के लिए उठना तमाम घर वालों का होता है उठना भी आसान है अगर आप लोग शहरी खाने के लिए उठें और सिर्फ दस मिनट पहले उठ जाएँ और वजू करके दो रकात नमाज नफिल शुरू कर दें पढ़ना तो इन शाह उम्मीद यह है कि बाकी के ग्यारह महीनों में भी आपको तहजद की आदत पड़ जाएगी तोजद एक ऐसी नमाज है जो छुपी हुई नमाज़ होती है हजूरकम सल्लम पर फ़र्ज थी और उम्मत के लिए नफिल है लेकिन ये क्योंकि तीस रमज़ान तीस रोज़े ऐसे होते हैं कि इसमें ये इबादत आसान होती है फिर उसके बाद इसकी प्रैक्टिस की जा सकती है व मा अलब